हाय, आज के मैथ टूल में हम बातें करेंगे साइक्लोइड की। साइक्लोइड एक पैरामीट्रिक कर्व का एग्जांपल है। हम उस साइक्लोइड को कंस्ट्रक्ट करेंगे, इनफैक्ट साइक्लोइड के पूरे पाथ को कंस्ट्रक्ट करेंगे एनिमेटेड वे में जियोजेब्रा में। लेकिन उससे पहले हम क्या जानते हैं कि साइक्लोइड एक्चुअली किस तरीके से पैरामीटराइज फॉर्म में लिखा जा सकता है? उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि साइक्लोइड एक्चुअली आता कहाँ से है। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई एक व्हील गिवन है, उस व्हील के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने फोकस रखा है और व्हील को आपने घुमा दिया, उसे रोल कर दिया। तो जो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने फोकस रखा होगा, उस पॉइंट को अगर पूरी घटना के क्रम में आप ऑब्जर्व कीजिएगा, तो पॉइंट जिस पाथ को ट्रेस करता है वही साइक्लोइड कहलाता है। तो हम पहले ये चाहेंगे कि उस साइक्लोइड का एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर पाएँ पैरामीटराइज फॉर्म में, और ये पैरामेट्रिक फॉर्म में किसी फंक्शन को लिखने का फ्रॉम स्क्रैच सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। सबसे पहले हम चलेंगे वन नोट में साइक्लोइड के पैरामेट्रिक फंक्शन को, साइक्लोइड के डेफिनेशन को लिखने के लिए, तो उसके बाद हम उसका एनिमेशन क्रिएट। Alright, so here we are in one node, और यहाँ पे दो pictures मैंने पहले से ही paste करके रखे हैं। ये एक wheel को दर्शाता है जो circle आपको दिख रहा है, और इस circle के ऊपर जिसका initial position इस first picture में given है, जिसमें point P वो point है जहाँ हमेशा focus रखना है हमें। यानी कि इस wheel को जब roll कीजिएगा, तो point P जिस path को traverse करेगा, उसी path को हम cycloid कहेंगे। तो initially ऐसे कोई व्हील यहाँ पे पोजीशन है, बिल्कुल ओरिजिन पे इसका पॉइंट पी लोकेटेड है। आपने कुछ इसको पुश किया तो ये पॉइंट पी मूव करके यहाँ पे चला आया होगा। तो अब हमें बताना है कि इस पॉइंट पी के लिए जो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे वो किस तरीके से पैरामीटराइज किए जाए। तो उसके लिए मान लेते हैं कि इस पी से पहले पहुँचने से पहले वो पी यहाँ भी आया होगा, है ना जी? आप सोच के देखिए, अगर आपने इसको रोल किया होगा तो इस पी से पी को यहाँ तक पहुँचने के लिए ये पहले ऊपर उठा होगा लाइक दिस एंड देन तक यहाँ गया। तो सपोज कीजिए कि मैंने ये पोजीशन लिया उसका, और ये इसका इनिशियल पोजीशन था। तो इस इनिशियल पोजीशन को अब मैं मान लेता हूँ कि वो है ए, ताकि इसमें कुछ चीज़ें आपको समझाया जा सके ट्रिग्नोमेट्री से। अब हमने ये जूम किया कि ए से पी तक का पूरा एंगल जो है ये एंगल थीटा है। हमें ध्यान देना है इस P के कोऑर्डिनेट को हमें बताना है, दैट इज x कॉमा वाई। तो अब जरा कल्पना करके देखिए, अगर मैं x की बात करता हूँ इस पूरे पिक्चर में, तो वो यही होगा ना। अगर मैं यहाँ से एक पैन को ड्रॉप कर दूँ और लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वही तो x होगा, बिकॉज x कोऑर्डिनेट इस P का अगर हमने लिया है x, तो दैट शुड बी x ही। एंड द वाई कोऑर्डिनेट की जो लेंथ होगी वो इतनी लेंथ होगी, आप समझ रहे हो, ये वाली लेंथ, राइट? यानी कि अगर हम इस ट्राइंगल में कुछ, मतलब इसको ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करके कुछ अपना काम करें तो कुछ काम बन सकता है। तो लेट्स कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल। हमने यहाँ से एक पैन को ड्रॉप किया, इसका नाम दे दिया एम। अब जरा आप ये बताइए कि इन ट्राइंगल, लेट मी राइट इट सी पी एम, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इज वेरी सिंपल। मान लेते हैं कि इस सर्कल का रेडियस हमने थोड़ी देर के लिए आर रखा है, तो उस केस में आप सीधे ये समझ सकते हो कि अगर ये एंगल थीटा है, सो यू कैन राइट पी एम एज आर कोस आर साइन थीटा, राइट ना? ये इस थीटा के अपोजिट है, तो पी एम हो जाएगा आर साइन थीटा, एंड जो सी एम होगा वो हो जाएगा आर कोसाइन थीटा। अब जरा इसी ट्राइंगल पे फिर से विचार कीजिए और यहाँ ध्यान दीजिए, हमें निकालना था ये y। जरा y कोऑर्डिनेट को ध्यान दीजिए, तो जो y कोऑर्डिनेट है वो एग्जैक्टली एम ए के बराबर है, करेक्ट? y कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली एम ए के बराबर है, और एम ए क्या लिखा जा सकता है, सी ए माइनस सी एम। सी ए इस सर्कल का रेडियस है, इज आर, एंड सी एम जो अभी हमने फाइंड किया है वो है आर कोसाइन थीटा।
y कोऑर्डिनेट इसका मिल गया r माइनस आर कोसाइन थीटा। व्हाट अबाउट द x कोऑर्डिनेट? x कोऑर्डिनेट थोड़ा सा टेढ़ा है समझना, इसके थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें। आप सोचिए कि अगर व्हील ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवर्स की होगी तो कितने डिस्टेंस उसने ट्रेवर्स की होगी? इस p को इस पोजीशन p तक पहुंचने के लिए जो आर्क लेंथ उसने लिया होगा वही डिस्टेंस इस ओरिजिन से इस a तक का होगा, राइट और नॉट? तो आई कैन राइट इट एज ओ ए इज जस्ट आर्क ए पी, करेक्ट नॉट? इट शुड बी। आप इस पर विचार कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये जो लेंथ होगा वो इस आर्क लेंथ के बराबर होना चाहिए, और इस आर्क लेंथ की वैल्यू कितनी होगी? जस्ट आर थीटा। तो अगर हमें यहाँ से यहाँ तक का एक्स चाहिए तो वी कैन राइट एक्स एज ये पूरा लेंथ ओ ए, और उसमें से हम इतना लेंथ घटा देंगे, करेक्ट? तो ओ ए कितना था भाई? आर थीटा। और आर थीटा में से कितना लेंथ घटाना है? ये वाला लेंथ। और ये लेंथ किसके बराबर है? पी एम के बराबर। तो इट शुड बी, लेट मी राइट इट फर्स्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, दैट इट शुड बी एक्स इज वॉट ओ ए, अगर मैं इसको ओ मानता हूँ तो, माइनस पी ए, और ये हो जाएगा आर थीटा माइनस आर साइन थीटा। और इस तरीके से हमने देखा कि एक साइक्लोइड का जो पैरामेट्रिक फॉर्म होगा उसके लिए एक्स हो जाएगा आर थीटा माइनस आर साइन थीटा, एंड इन शॉर्ट वी कैन टेक दिस आर कॉमन, सो थीटा माइनस साइन थीटा। और वाई जो होगा वो हो जाएगा आर कॉमन लेने के बाद वन माइनस कोसाइन थीटा। और इसी पैरामेट्रिक कर्व को हम यहाँ पे एनिमेटेड करने वाले हैं, एनिमेशन बनाने वाले हैं, कि आप जैसे ही उस एनिमेशन को रन कराओगे यू विल फील दैट कि जैसे ही व्हील आगे बढ़ेगा उस साइक्लोइड का पाथ पूरा ट्रेवर्स होता हुआ दिखेगा। तो उसे हम कैसे समझेंगे जियोजेब्रा में, ये हमें आज जानना है मैथ टू। एक और बात, एक्चुअली इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के थ्रू हम ये भी समझेंगे कि पैरामेट्रिक कर्व को जियोजेब्रा में कैसे लिखा जाता है, कैसे इनपुट दिया जाता है। तो नाउ लेट्स जंप इनटू जियोजेब्रा। ओके, सो वी आर इन जियोजेब्रा एंड वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग नाउ ऑन द कीबोर्ड। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए एक पैरामीटर। तो पैरामीटर को यहाँ पे हम डालने वाले हैं और उसका नाम देते हैं कैपिटल टी। सो इनफैक्ट हम कैपिटल टी दें, स्मॉल टी देना चाहते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए जियोजेब्रा में स्मॉल टी वेरिएबल की तरह काम करता है। जैसे आप टी डालिएगा इट विल टेक एज वाई इज इक्वल टू टी, जैसे वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ वो ड्रॉ कर रहा है, इसलिए आप स्मॉल टी नहीं ले सकते। उसका ट्रिक क्या है कि आपको पहले कोई कैपिटल टी दे दीजिए, पैरामीटर हमने दे दिया। अब ये पैरामीटर हम एंगल का चाहते हैं, ना कि एक रियल नंबर, मतलब एक डिस्क्रीट नेचुरल नंबर के लिए। तो एंगल के लिए हम यहाँ पे इसको चेंज करने वाले हैं, सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ से स्लाइडर के जो मिनिमम वैल्यू होगी उस मिनिमम वैल्यू को कर देंगे जीरो, देन एंटर, एंड जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको कर सकते हैं हम 4π, लेट अस कॉल इट, आई मीन लेट्स से इट इज 4π। सपोज कीजिए कि वो आप 4 साइकिल तक का रोटेशन देखना चाहते हैं साइक्लोइड के लिए। अब इस टी का हम नाम चेंज करके देखते हैं, क्या ये चेंज हो सकता है? हम चाहते हैं कि वो स्मॉल टी हो, इट्स नॉट डिफिकल्ट। यहाँ से जाइए और स्मॉल टी बना दीजिए, तो थोड़ा सा आपको कूल लगेगा कि वो पैरामीटर की तरह काम करने वाला है। तो हमने यहाँ पे एक स्लाइडर कंस्ट्रक्ट किया इस पैरामीटर के लिए, लेकिन अब हमें चाहिए साइक्लोइड। तो साइक्लोइड का जो अब हमारा शेप बनाना है उसके लिए हम जो सर्कल लेंगे उस सर्कल की रेडियस 1 लेंगे। आप ध्यान दीजिए कि सर्कल का अगर रेडियस आप फिर वेरिएबल रखिएगा तो उस केस में फिर वो साइक्लोइड प्रॉपर आपको नहीं दिख पाएगा एनिमेटेड वे में। तो बेस्ट तरीका है कि सर्कल के रेडियस को आप फिक्स रखिए। तो जो पैरामेट्रिक फॉर्म हमें मिला था अभी कुछ देर पहले वन नोट में, दैट वॉज वॉट एक्स इज इक्वल टू आर टाइम्स थीटा माइनस साइन थीटा एक्स के लिए, एंड वाई वॉज आर टाइम्स वन माइनस को साइन थीटा, करेक्ट? तो हमने क्या किया कि उस आर की जगह पे वन रख दिया। तो अब जो पॉइंट हम लिखने वाले हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, वो क्या लिखा जाएगा? टी इस पैरामीटर के आधार पे माइनस साइन टी।
ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, और मैं सेकेंड मॉनिटर से अपना रेफरेंस भी लूँगा जाके, ताकि मैं देख सकूँ कि मैं सही लिख रहा हूँ। और दूसरा था वन माइनस साइन टी, आई नॉट साइन टी, कोसाइन टी। ओके, तो हमने जैसे ही इसको एंटर किया, यू गेट दैट कि एक पैरामेट्रिक पॉइंट यहाँ पे बन चुका है। इस पैरामेट्रिक पॉइंट को मैं, जो कि साइक्लोइड का शेप लेने वाला है, उसको मैं नाम दूंगा पी। तो यहाँ से आप थ्री डॉट पे जाइए और यहाँ से आप इस ए को चेंज कर दिए और कहा आपने कि ये पी है। उप्स, चेंज नहीं हुआ अभी। यहाँ से आपको मैंने बोला था कि एंटर आपको हमेशा करना है, सो ये अब हो चुका है पी। एंड यहाँ पे आप फील ले सकते हैं, जैसे आप इसको मूव कीजिएगा, यू सी दैट कि ये साइक्लोइड के पाथ की तरह मूव कर रहा है। लेकिन पूरे एनिमेशन को सही तरीके से स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करने के लिए, अगर आप स्टूडेंट हो तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए, यहाँ पे हमें एक सर्कल को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एंड साथ ही साथ वो पाथ साइक्लोइड का ट्रेस होता हुआ दिखना चाहिए। हमें दो चीज़ें करनी है। अब आपको ध्यान देना है कि सर्कल जैसे ही आगे आगे मूव करे, इस पी को उस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर होना आवश्यक है, तभी जाके ये पूरा सिस्टम, पूरा एनिमेशन सही तरीके से दिखेगा। तो हम क्या करते हैं कि इस पैरामीटर टी को लेकर एक सर्कल का सेंटर बनाते हैं। सर्कल के सेंटर को मैंने कहा वो टी कॉमा वन हो। मैं ये मान रहा हूँ कि सर्कल का जो सेंटर हो वो हमेशा वन यूनिट के एबव, मतलब एक्स एक्सिस से वन यूनिट के एबव डिस्टेंस पे हो और वो टच करता हो एक्स एक्सिस को। मतलब सर्कल के रेडियस को हमने वन रखा है और यहाँ भी आप इसीलिए r की वैल्यू को आपने यहाँ पे वन रखा था। तो अब ये पॉइंट आप देखिए कैसे, अगर t को मूव कराइएगा, यू गेट दैट कि a जो है वो सर्कल का सेंटर की तरह काम करने वाला है, इसलिए वो हमेशा उसी हाइट को मेंटेन करता हुआ चल रहा है। लेकिन इस a को थोड़ा सा हम सेंटर की तरह नाम देना चाहते हैं, तो इसको हम यहाँ से जाके नाम चेंज कर देते हैं ताकि वो सेंटर का जेनरिक नोटेशन c लगे। तो हमने यहाँ पे इसको सी चेंज कर दिया। यू कैन सी दैट नाउ कि ये ठीक ठाक काम कर रहा है। ओके, अब चाहिए हमें कि सर्कल को एक्चुअली हम ड्रॉ कर दें। लेकिन ध्यान देना है, सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सेंटर सी ही हो और पॉइंट पी जो होना चाहिए वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सर्कल ट्राइप करते हैं, बहुत ही बेहतरीन सा यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलने वाला है। सर्कल ट्राइप कीजिएगा तो यहाँ पे सर्कल के पास एक मीनू खुल जाएगा और यहाँ से आपको देखिएगा पॉइंट पॉइंट, मतलब ये कि आप सर्कल को दो पॉइंट के आधार पे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो हमने इसको चूज़ कर लिया बिकॉज हम पी और सी दो पॉइंट्स के आधार पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो आई होप कि पहला वाला हमें सेंटर देना चाहिए और दूसरा वाला वो पॉइंट जो सर्कमफ्रेंस पे है। जैसे हमने दिया, हमारा काम बन चुका है। एंड नाउ यू सी क्लियरली। ओके, बाय द वे देयर इज अ स्मॉल सी देयर, वो इस सर्कल ऑब्जेक्ट को दर्शाता है। तो यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट के लेवल को नहीं देखना चाहते हैं, तो इसलिए हमने इसको डिसेबल कर दिया और हमारा काम अब इजीली स्मूथ दिख रहा है। आप देख पा रहे हैं कि पॉइंट पी मूव कर रहा है जैसे मैं आगे सर्कल को रोल कर रहा हूँ। तो ऑलराइट, लेकिन अभी भी एक काम अधूरा है। हमने अभी तक इस पी के ट्रेस को नहीं देखा कि जैसे आगे मूव कर रहे हो तो पी दिखना चाहिए ना कि किस पाथ को वो ट्रेवर्स कर रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से एक कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा, आप पूरे साइक्लॉइड को ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको देखते हैं केवल कर्व, और कर्व लिख के आप जैसे ही आपका यहाँ पे मेनू खोलिएगा, यू विल गेट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन पैरामीटर वेरिएबल एंड स्टार्ट वैल्यू एंड एंड वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे टू वेरिएबल पैरामीट्रिक, मतलब एक्स एंड वाई, ये दो वेरिएबल हैं पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए बात की जा रही है। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो तीन वेरिएबल के लिए, एक्स वाई और जेड के लिए। ऊपर वाला सेलेक्ट कीजिए और यहाँ आप इन सब चीज़ों को फिल कीजिए। कैसे फिल कीजिएगा भाई, पहला एक्सप्रेशन यानी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए आपको लिखना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि अब टी को ना ले, क्योंकि हमें पाथ को ट्रेवर्स होते हुए दिखाना है, तो हम एक दूसरा पैरामीटर लेंगे लेकिन उसी परिभाषा को आधार मान के। मतलब ये कि हम यहाँ पे लेने वाले हैं थीटा, या फिर कुछ भी ले सकते हैं। थीटा की जगह पे मैं क्या ले लूँ, ओके लेट्स से थीटा हम लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस बोर्ड पे जाएंगे एंड यहाँ से हम थीटा चूज़ करने वाला, आई होप कि थीटा इसमें हो, ए बी सी वाले में, अल्फा बीटा गामा में जाके।
यहाँ मिलेगा थेटा, और चूंकि यहाँ पर हमें यहाँ कुछ गलतियाँ दिखाई दे रही हैं तो यहाँ मैं चेंज करूँगा और फिर से जाके हमें एक्सप्रेशन चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए, पैरामीटर वेरिएबल चाहिए, स्टार्ट वैल्यू एंड सो ऑन। तो यहाँ हम दे देंगे ओके द ब्रैकेट, और हमें चाहिए फर्स्ट जो चाहिए एक्सप्रेशन वो चाहिए थेटा माइनस साइन थेटा, और साइन के बाद हम यहाँ से टेप देंगे थेटा को एंड दे देंगे कॉमा। तो ये होगा एक्स फर्स्ट एक्सप्रेशन यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक फॉर्म में। वाई कोऑर्डिनेट लिखना है क्या, वन माइनस एंड देन कोसाइन एंड देन व्हाट थेटा अगेन, तो यहाँ से हम दे देंगे थेटा एंड देन कॉमा एंड देन चाहिए हमें पैरामीटर। सो पैरामीटर क्या है, अभी थेटा है, और उसके बाद चाहिए हमें स्टार्ट वैल्यू एंड एंड वैल्यू। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो स्टार्ट वैल्यू थेटा की वैल्यू रखना चाहते हैं स्टार्ट वैल्यू जीरो, एंड द एंड वैल्यू हम रखना चाहते हैं 4π, नो हम एंड वैल्यू रखना चाहते हैं टी, क्योंकि टी हमारा स्लाइडर है और स्लाइडर जैसे जैसे मूव करेगा थीटा की वैल्यू वहाँ तक पहुँचेगी और इसलिए वो वहीं तक का पाथ ट्रेस होगा। तो आपको वो फील आएगा कि हम जैसे जैसे टी को मूव करा रहे हैं वो पाथ ट्रेस हो रहा है। तो यहाँ हम रख देंगे फाइनल वैल्यू टी, एंड नाउ यू सी इट इज हैपनिंग देयर, व्हाट यू आर सीइंग हियर, ये पाथ हमारा यहाँ पे सॉरी कर्व यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। आप देखिए ये पाथ भी दिखा रहा है अभी जो टी की वैल्यू उसके आधार पे। यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये जो ए दिख रहा है इस कर्व का नाम लेबल वो डिसेबल कर दें, तो यहाँ सेटिंग में जाइए और यहाँ से शो लेबल को डिसेबल कर दीजिए। अब हमारा काम पूरा हो चुका है, नाउ यू सी व्हाट इज हैपनिंग, कि जैसे आप इस सर्कल के सर्कल को आगे बढ़ाओगे तो यू सी दैट कि ये पाथ जो दिख रहा है वो है साइक्लोइड का। अब आप चाहें तो इसको रन करा सकते हैं, बाकी जो कुछ भी इसकी डिज़ाइनिंग और जो कुछ भी एस्थेटिक एस्पेक्ट्स हैं वो तो बाएं हाथ का खेल है आपका, जो कुछ भी आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाके इसको चाहें तो आप इसका लाइन का स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं एंड देन यू कैन मेक इट डॉट डॉट ताकि वो दिखे कि आप एक्चुअली एक साइक्लोइड बन रहा है पी के मूवमेंट से। पी के कलर को चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ से कलर चेंज कर दिया इसका येलो जी मैंने कलर चेंज कर दिया इसका, और यहाँ से भी इसके कलर को जो मैंने चेंज कर दिया सर्कल के कलर को चेंज करके हम चाहते हैं कि वो हो नॉट दिस वन सो रेड वन। सेंटर का जो भी प्रॉपर्टी है आप चेंज कर सकते हो कलर से लेके सब कुछ, यहाँ मैंने इसको ऐसे रख दिया। आप चाहें तो पी और सी का जो सेगमेंट है वो बना सकते हैं, तो आप केवल देखना सेगमेंट ताकि रेडियस देखे सी एस ई जी एम ई एन टी सेगमेंट एंड देयर इज अ पॉइंट पॉइंट आपको सेलेक्ट करना है एंड नाउ यू एंटर पी एंड द सेकेंड पॉइंट इज सी। इसकी लेंथ आपको दिख रही है यहाँ से लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी साथ साथ दिख रहा है, ऑब्जेक्ट का नाम दिख रहा है। तो यहाँ पे सेटिंग में जाके शो लेबल को डिसेबल कर देंगे और यहाँ से कलर उसका चेंज करके आप जो चाहें वो कर सकते हैं। मैंने कर दिया इसका वाइट क्योंकि मैं इसके बैकग्राउंड को चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, सेटिंग में जाइए और यहाँ आपको दिख रहा है ग्रिड, ग्रिड पे क्लिक करके इसके कलर को चेंज कर दीजिए इस ब्लैक से, ओके कीजिए। बेसिक्स में जाके बैकग्राउंड कलर को बिल्कुल ब्लैक कर दीजिए एंड जो एक्सेस हैं उनको भी हमें अब यहाँ पर चेंज करना चाहिए। तो बेसिक्स में ही आपको दिख रहा है ये आई थिंक एक्सेस का कलर, एक्सेस के कलर को मैंने कर दिया लेट्स से दिस वन दिस ग्रीन वॉट एवर दिस इज एंड दिस इज हैपनिंग देयर। अब हमें केवल यहाँ से एनिमेशन को रन करना है एंड एन्जॉय करना है। ये ऑसिलेट हो रहा है पीछे आ रहा है तो उसका एक ही इलाज है, आपको पता है क्या करना है। यहाँ से आपको यहाँ पॉज लेना है एंड देन थ्री डॉट्स पे जाके सेटिंग में जाना है एंड देन स्लाइडर में जाके इसके ऑसिलेशन का जो यहाँ पे फीचर है वो आपको चेंज करना है, जैसे ओनली इंक्रीजिंग एंड ओनली इंक्रीजिंग मतलब जैसे ही वो इंक्रीज होकर अपने मैक्सिमम मुकाम तक पहुँचेगा वहाँ से फिर से बैक आ जाएगा अपनी इनिशियल पोजिशन से, वहाँ से फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप इसको आगे बढ़ाइए एंड यू सी दैट कि हाउ कूल दिस पाथ ऑफ साइक्लोइड इज लुकिंग। तो आपने समझा कि अगर आप पैरामेट्रिक इक्वेशन जानते हैं तो उसका एक बहुत ही कूल एप्लीकेशन है कि आप उसको जियोजेब्रा से
इस पूरे क्रम में आपने ये रियलाइज किया होगा कि आपने केवल एक क्लास 12th लेवल के मैथमेटिक्स को समझकर एक अच्छा सा एडमिशन तैयार किया है, और इसमें आपने मैथमेटिक्स के नॉलेज को, अपनी क्रिएटिविटी को और स्किल को इन्हेंस किया है। सो आई होप कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, एंड आई विश कि आप इससे भी अच्छे कूल एडमिशन तैयार कीजिए जी एच एवरा में अपने बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स नॉलेज के आधार पर। सो मिलते हैं किसी ऐसे ही मैथमेटिक्स टूल में जहाँ हम बातें करेंगे मैथमेटिक्स की, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड यस, स्टे मैथ एक्टिव, बाय।